डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा साइबर क्राइम जो आज के टाइम पे हमारे देश में लगभग हर जगह फैल चुका है और बहुत ही बड़ा साइबर क्राइम जिसके बारे में अभी तक आम जनता जानती भी नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। व्हाट इज़ दिस डिजिटल अरेस्ट? एक इंसान घर में बैठा है नॉर्मल, उसके फ़ोन पर अचानक से एक वीडियो कॉल आता है अननोन नंबर से। अगर उस पर कोई पुलिस की फ़ोटो लगी हुई है या कुछ लगा हुआ है तो हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं उठाने से पहले। अगर हम उसे उठाते हैं, सामने एक हमारे कोई पुलिस वाला बैठा हुआ है या कोई आर्मी ऑफिसर बैठा हुआ है या कोई कंपनी का ऐसा पर्सन बैठा है जहाँ जैसे मैंने कोई अपना ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया हुआ है कुछ फ्लिपकार्ट से अमेज़न से, और सामने वाला कहता है कि मैं फ़्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ और ये कॉल रिकॉर्डिंग पे है या कुछ है, आपसे कुछ इंक्वायरी करनी है, या कोई पुलिस वाला आपको फंसा दे किसी चीज़ को लेके, कोई बात बोल रहा है आपको कि आपने कुरियर भेजा था, वो कुरियर इस तरीके से आपका एक आधार कार्ड गलत तरीके से यूज़ किया गया है और इस तरीके से आपका आधार कार्ड को यूज़ किया गया है कि उसके थ्रू कोई ड्रग्स भेजे गए हैं, नाम आपका आ रहा है उसमें, तो कोई भी डर जाएगा इस चीज़ को सुन के। और इस तरीके की कोई चीज़ अगर आपको या मुझे आएगी कोई कॉल इस तरीके की तो हम भी एक बार डर ही जाएंगे। सामने एक बहुत ही वेल ड्रेस पुलिस वाला बैठा है या कोई आर्मी ऑफिसर बैठा है या कोई बहुत ही अच्छा कोई पर्सन बैठा हुआ है सामने जो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई स्कैम है या कुछ है। तो हम उसकी बातों में ऐसे फंसते चले जाते हैं। वो हमें हमारी ही कोई डिटेल्स बता देता है जो लगभग अभी हमने इन रिसेंट दिनों में ही की हो। अब किसी के लिए भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन निकालना किसी की कोई मुश्किल काम तो है नहीं। अगर आज मैंने कोई ऑर्डर किया है या कुछ किया है तो उसके लिए डिटेल्स आराम से निकाली जा सकती है कहीं से भी। तो इस तरीके का कोई कॉल अगर आपको आता है तो आपने वो कॉल सबसे पहले तो नहीं उठाना है, क्योंकि जब वो ऐसा कॉल आता है वो आपको अजीब तरीके के काम करने के लिए बोलेंगे, वो आपसे आपकी डिटेल्स मांगेंगे पर्सनल, वो आपसे कहेंगे कॉल रिकॉर्डिंग पे चल रही है, आपको यहाँ जाके कंप्लेंट करनी है, आपको वहाँ जाके कंप्लेंट करनी है, तो किसी को लगता ही नहीं है कि आपके साथ कोई स्कैम हो रहा है। और उसके बाद वो कॉल रिकॉर्ड हो जाती है जिसमें आप काफ़ी चीज़ें यस कर चुके होते हैं और उसके बाद आपको ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है कि अगर आप ये इतने पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो आपकी ये जो वीडियो है ये हम रिलीज़ कर देंगे या लीक कर देंगे, जिससे आप और डर जाएंगे और आप अपने पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके के डिजिटल अरेस्ट से आप बचें। और भी इसके बहुत रीसेंट एग्जाम्पल्स हुए हैं, जैसे किसी के पास कॉल आता है, फ़ोटो लगी होती है व्हाट्सएप कॉल के ऊपर किसी ACP कमिश्नर की या कोई और अच्छे पोस्ट के ऑफिसर की फ़ोटो लगी होती है और वो आपको कॉल करके बोलते हैं कि हम मुंबई पुलिस से बोल रहे हैं या हम दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं, आप कल एक पॉन साइट देख रहे थे, वो पॉन साइट जो है देखनी इल्लीगल है। अब वो इल्लीगल साइट है जिसकी वजह से आपके ऊपर कार्रवाई होगी और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप ये डिटेल्स हमें भेज दीजिए। अब इस तरीके की चीज़ों से अक्सर जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि जिसने भी ऐसा कुछ काम किया होगा वो पहले ही डर जाएगा इस चीज़ को लेके, तो वो अपनी कोई भी डिटेल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके की कॉल से आपने पहली बार तो बिल्कुल बचना है और ऐसी कोई वीडियो कॉल मत उठाइए जो आपके अपने पर्सन के नंबर सेव्ड से नहीं हो। अगर कोई अपना होगा तो उसके साथ पहले बात करके रखिए कि आप किस तरीके से कॉल करेंगे या कोई कोड सेट कीजिए। कोई भी अननोन नंबर से तो वीडियो कॉल आपने उठाना ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी हमें बहुत अच्छे से अलर्ट किया है डिजिटल अरेस्ट के केसेस से बचने के लिए, क्योंकि अभी अभी एक बहुत ही बड़ा केस हुआ है, ऋचा शर्मा जो मशहूर जर्नलिस्ट हैं उनके साथ ये केस हो चुका है। स्कैमर्स कोप्स बन के कॉल करते हैं और आपको कुछ इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं कि आप खुद ही उनके जाल में फंस जाते हैं और अपने पैसे उनको ट्रांसफ़र करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके के किसी भी स्कैम का पार्ट मत बनिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, अपने कॉल को रिकॉर्डिंग्स पे रखिए ताकि अगर कोई ऐसा कॉल आता है तो आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस रहें, आप बाद में इसको अलर्ट पे डाल सकें। तो प्लीज़ अपने आप को खुद जागरूक बनाइए, कोई बाद में हेल्प मिलती है नहीं मिलती है, तो इसीलिए अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।